अभी हम लोग ना यहाँ से जाएंगे यूबिन ब्रिज, जो काफ़ी अच्छा सनसेट पॉइंट के लिए जाना जाता है, काफ़ी पॉपुलर है। ओनली यूबिन ब्रिज ओके 14 to 15 kilometers. 14. Yeah, the 14 kilometer from here to Yubin Bridge. तैयार है अपने अपने बाइक के साथ, अभी डाउन है तो कोई This is a bridge. Oh, finally. Finally. So where is the start? Main start point. Yubin Bridge. You just need to go up, and you see people here. Okay. Just go, just here. And, there's no one's biking here. No bicycle. No one using bicycle. Yeah. Yes. Yeah, that's true. We are special for more adventure. यस कह रहे हैं कि रास्ते में कोई भी नहीं देखा जो टूरिस्ट बाईसाइकिल रेंट पे लिए हो चलाते हुए। हाँ, एक हम ही लोग हैं जो बाईसाइकिल पर रेंट, मतलब रेंट पे लिए हुए घूम रहे हैं। ये एडवेंचर है यार, अगर आपको एडवेंचर पसंद है, एडवेंचर करना है तो आप आओ बाईसाइकिल रेंट पे लो और घूमो। क्या बोलता है पाजी? मतलब क्यों लो? स्कूटी मिलेगा तब जब तुम्हारे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा। हट गई है। ये पार्किंग रखने का जगह है, हम लोग के पास तो बाइक ही नहीं है। ऐसे के लिए देखते हैं पार्किंग का क्या कॉस्ट है। फॉर पार्किंग हाउ मच पर पे? बाईसाइकिल वहाँ पे पार्क कर दिए हैं, 1000 कायद लगा तीनों का मिला के, 50 रुपये 60 रुपये के आसपास। क्या करें, आप बाहर रख भी नहीं सकते, अगर बाई चांस अगर चोरी वगैरह हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ। मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, लग जाए यार, कोई इशू नहीं है, सेफ तो रहेगा कम से कम। और यूबिन ब्रिज का मार्केट है अच्छा खासा, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी टूरिस्ट है यहाँ पे। ब्रिज मैंने देखा अभी सनसेट का टाइम है, तो सोच रहे हैं कि पहले कुछ पी लेते हैं। नारियल अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे तो भजिया। What do you want to drink? For this is only touristic places. Yeah. Have a coconut. Coconut. नारियल है, पूछ के देखता हूँ क्या है कॉस्ट। इनके अलावा हाउ मच? 1500 फॉर वन। डर के ला लिया है इन लोग। इट्स रियली गुड। कैसा छोटू? मजा है क्योंकि पूरा थकान दूर हो गया इसमें। अरे बियर है हम लोग के लिए नहीं है, भाई साहब के लिए। ये है यूबिन ब्रिज म्यांमार का मंडले के स्पेशली। ये सारे पार्किंग का इलाका है,
काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। आज वैलेंटाइन डे है, स्पेशली वैलेंटाइन डे के दिन काफ़ी लोग हैं। आई थिंक वैलेंटाइन डे इसीलिए इतना भीड़ है यार, पता नहीं मुझे, समथिंग ऐसे कुछ हो सकता है। सनराइज़ होने का वक्त आ गया, जस्ट मेरे पीछे है सनराइज़, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और आजू बाजू में मेरे दर्शक हैं काफ़ी, जो बैठे हुए हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ। वाह, सनसेट काफ़ी अच्छा है।